वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि ये तीन वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, ये जो हैं वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। अब देखें, हमारे पास तीन पॉइंट हैं। ठीक है, वो तीन पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं, ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये तीन जो है वो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब इसमें देख लें, हमें जो ये दिया गया है वो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्रायंगल हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें ए जो है वो 6 और 5 है। ठीक है, बी जो है वो 3 और 7 है और सी जो है वो हमें 2 और -1 जो है हमें दिया गया, यानी सी हमें ये पॉइंट ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखें अगर तो ये जो है पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये भी हम पढ़ के आए थे कि जो है वो बी सी का जो स्क्वायर है, यानी बी सी का जो स्क्वायर का डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और ए सी का स्क्वायर। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, ये डिस्टेंसेस निकालने हैं, और डिस्टेंसेस निकालने के बाद देख लेना है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव हो रहा है या जो है वो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम जो है वो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 - y1। ठीक है, और x2 - x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा आपके पास 9। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो √13 यूनिट जो है वो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद जो है वो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये देखें 3 है, तो ये हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा +1। और ये जो है वो x2 - x1, तो ये 8, ये 64 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √65। अच्छा, इसके बाद जो है वो ए सी तक का जो है वो डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं। y2 - y1, y2 ये रहा 5 और ये माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और जो है वो x2 - x1, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 2 का जो है वो स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास जो है ये आ जाएगा 636 + 16 636 हो जाएगा, ये 4 4 16 और ये मिला के जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये जो है वो आपके पास क्या जाएगा 52 हो जाएगा। अब हमने जो है ये जो डिस्टेंसेस निकाल लें इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अप्लाई करके देखना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, b² = a² + b² + ac². अब देखें ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, यानी जब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर लें, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर लें तो ये यहाँ के डिस्टेंस के बराबर हो। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो ए बी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास √13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। और ए सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो कितना है, √52 है इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 13 + 52। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, तो बी सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, √65 के। तो देख लें यहाँ का इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर इसके बराबर है, तो देखें हमें पहले से पता था बी सी जो बराबर है तो √65 के बराबर था, और हमने जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये चीज़ जो है वो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई।